प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी सौगात देते हुए पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। आपको बता दें, पीएम के साथ इस कार्यक्रम में देश भर से 525 जिलों के हितग्राही वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश भर के अलग अलग राज्यों में ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से बातचीत भी की। वही इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज गरीबों के हक का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचता है। आज वंचित वर्ग से जुड़े 1,00,000 लाभार्थियों के खाते में 720 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में डाली गई है। देश के करीब 470 जिलों के लगभग 3,00,000 लोग सीधे जुड़े हुए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज दलित, पिछड़े और वंचित समाज के कल्याण की दिशा में देश एक और बड़े अवसर का साक्षी बन रहा है। जब वंचितों को वरीयता की भावना हो तो कैसे काम होता है वो इस आयोजन में दिखाई दे रहा है। आज वंचित वर्ग से जुड़े 1,00,000 लाभार्थियों के खाते में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधी सीधी उनके बैंक अकाउंट में भेजी गई है। ये लाभार्थी 500 से ज्यादा जिलों में उपस्थित हैं। पहले की सरकारों में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि इधर बटन दबाया और उधर पैसे गरीबों के बैंक खातों में पहुंच गए। लेकिन ये मोदी की सरकार है, गरीब के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में पहुंचता है।